महान जनता को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने जो सरकार चुना है, देश के हालात को, राज्य के हालात को देखते हुए उन्होंने चुना। और आप सब लोग जान रहे थे पहले जो सरकार थी वो कैसे गिरी, कर्नाटक की। लेकिन हमने तो कल ही कह दिया था कि जो बजरंगबली हैं, हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज़ हैं। तो आज जो रिजल्ट आया है, एक तरफा रिजल्ट आया है। और बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए, दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश कैसे वो सरकार में आए, किस प्रकार से चोरी हुई। महाराष्ट्र आप देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ क्या किया गया, तो सब हम लोग देख रहे हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड है ये नहीं है। और उत्तर भारत में भी आप देखिएगा, हिमाचल हारी गई, एक आध जगह जो बची है वहाँ भी समाप्त हो जाएगी। तो कहीं भी अगला आने वाला चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, ये सारे चुनाव हारेंगी भाजपा के लोग। और हरियाणा भी लिख के ले लीजिए, जो उत्तर भारत में एक आध जगह जो बचा हुआ है, वो हरियाणा भी बीजेपी हारेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो मैं आपके चैनल से कर्नाटक के आवाम को मुबारक करता हूं कि उन्होंने नफरत की सियासत को ठुकरा दिया और मोहब्बत की सियासत को अपनाया है। दूसरी बात जो जरूरी थी कि जो यात्रा राहुल गांधी ने की थी उसका असर भी निकला, भारत जोड़ने का, मोहब्बत से जोड़ने का, नफरत से जोड़ने का नहीं। मजहबों की नफरत नहीं, बल्कि मजहबों के जोड़ के मोहब्बत पैदा करने की। मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस का हर एक वर्कर जो है, छोटे से छोटा क्यों ना हो, मैं उसको मुबारक करता हूं। मैं खड़गे साहब जो उसके सदर हैं उन्हें मुबारक करता हूं। मिसेज सोनिया गांधी जी को मुबारक करता हूं कि इस उम्र में भी, जब उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो उन्होंने भी कैंपेन किया। राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा गांधी को भी मुबारक करता हूँ। इन सब ने काम किया, मेहनत की और लोगों में पहुंचे और लोगों से कहा, हम नफरत की सियासत को थोक देना चाहते हैं और मोहब्बत की सियासत को बढ़ाना चाहते हैं। ये देश तब इकट्ठे रहेगा जब हम सब इकट्ठे रहेंगे, जब सब धर्मों में झगड़े नहीं होंगे बल्कि मोहब्बत होगी। उसने साबित कर दिया आज कि कर्नाटका के जनता ने इसको मान लिया। और मैं उम्मीद ये करूंगा कि जो अब इनने वादे उन लोगों से किए हैं उनको पूरा करेंगे, और वही एक शुरुआत होगी आगे की हिंदुस्तान के लिए। इस चीज़ ने तो साबित कर दिया कि नफरत नहीं चलेगी, मोहब्बत ही चलेगी, और मोहब्बत को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है।